हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ रेखा यादव नाउ वी आर स्टार्टिंग स्टडी आवर सेकेंड चैप्टर द नेम ऑफ चैप्टर एम एस विंडोज़ टेन तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकेंड uh, चैप्टर है एम एस विंडोज़ टेन उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो विंडोज़ होती हैं उनका एक टाइप है एम एस विंडो टेन तो इसके बारे में हमें यहाँ पर इसके फीचर्स और इसकी जो भी uh, प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें दी गई हैं उनके बारे में हम अच्छे से स्टडी करेंगे लेट स्टार्ट फर्स्ट है बिफोर विग्निंग मीन्स हमें यह चैप्टर पढ़ने पर, पर क्या मिलेगा क्या सीखने को मिलेगा वह सभी इस छोटे से बॉक्स में हमें सा, इसका सार दिया हुआ है तो हम फर्स्ट इसको रीड करते हैं आप सभी अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कर लेंगे और सेकंड चैप्टर मेरे साथ कवर करेंगे अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ऑन एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस तो ये जो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद सोच नहीं सकती है कोई भी मशीन विचार नहीं कर सकती है सोच नहीं सकती क्योंकि सोचने की जो क्षमता होती है वो केवल ह्यूमन बींग्स के पास है जो लिविंग थिंग्स हैं उनके पास ही होती है तो बसीनों के पास सोचने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है एंड रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अस तो ये उसका फॉलो करती है जो भी इंस्ट्रक्शंस हम इसको देती हैं जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में देती हैं उसे ऑपरेट करने के लिए वैसे ही वो वर्क करता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम ऑफ आ कम्प्यूटर इज़ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसका मैन इम्पोर्टेंट जो प्रोग्राम है वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे ऑपरेट होता है वो इसका मैन मैन सिस्टम है इट इज़ आ मीडियम थ्रो विच वी कैन इंटरेक्ट विथ द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर तो हम इस, इसके माध्यम से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का उससे इंटरेक्ट होते हैं संचालन कर पाते हैं उसका और उसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो यूज़ेज होते हैं वो हम कर पाते हैं इट इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारी एक्टिविटीज़ को जो भी कंप्यूटर में हम करते हैं उसको कंट्रोल करता है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज़ विंडोज़ लिनक्स यूनिक्स एट्सट्रा तो लिनक्स यूनिक्स और जो विंडोज़ होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर की जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए तो इससे हमें पता चलता है कि जो एम एस विंडो टेन है हमारा वो क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम इंट्रेक्सन कर सकते हैं हमारा जो भी संचालन होता है कंप्यूटर का वो हम इनके थ्रू कर सकते हैं जो कि जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसका उसकी जो विंडो होती है उसकी जो सेटिंग है वो विंडोज़ के अकॉर्डिंग होती हैं जैसे कि आपको पिक्चर में दे रखा है विंडोज़ सेवन विंडो एट विंडोज़ टेन तो ये इसकी टाइप्स हैं और जो अभी करेंटली जो न्यू है वो है विंडो टेन तो उसके बारे में हमें दिया गया है विंडोज़ इज़ आ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो इसका जी यू आई जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस तो जो भी ग्राफिक ग्राफिक्स होते हैं उन्हें उनका इंटरफेस मीन्स हम उनको देख सकते हैं और उनकी कहाँ पर क्या प्लेस है वो सब व्यवस्थित रहता है इसमें जी यू ए आई प्रोनाउंस्ड एज़ गई तो इसको प्रोनाउंस्ड एज़ ग्वाई मीन्स हम इसकी जो संवेदनाएँ होती हैं वो हम अच्छे से समझ सकते हैं बिटवीन आ uh, तो प्रोनाउंस एस ग्वाई मीन्स भावनाओं के साथ उच्चारण तो हम जो इंटरफेस करते हैं कंप्यूटर को तो उसकी सारी जो थिंग्स हैं उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं जो हमारी विंडोज़ होती हैं उसके माध्यम से बिटवीन आ कंप्यूटर एंड एड्स यूज़र तो ये कंप्यूटर और उसके यूज़र जैसे हम अगर किसी कंप्यूटर को चला रहे हैं तो जो इंट्रक्शन या इंटरफेस करते हैं उसका माध्यम कौन बनता है जो हमारी विंडोज़ होती हैं वो उसका माध्यम बनती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका माध्यम होता है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ़्ट तो इसे डेवलप किसने किया है जो विंडो टेन है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है बिल गेट्स द द वर्ल्ड लीड लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी तो ये वर्ल्ड लीडिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है देन उसके बाद आपको यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई हैं जो विंडोज़ सेवन विंडो एट विंडोज़ टेन नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फीचर्स ऑफ विंडोज़ टेन तो यहाँ पर हमें विंडोज़ टेन के फीचर्स दिए हुए हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वो सब हम इसके थ्रू जानेंगे द फर्स्ट जी यू वी वर्जन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉस विंडोज़ 95. तो जो फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र प्रोफ इंटरफेस था वो हमारा कौन सा था विंडोज़ 95. ये आपको याद रखना है कि कौन सा फ़र्स्ट था विंडोज़ 95. सिंस देन वेरियस वर्जन ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज फिर उसके बाद और भी विंडोज़ रिलीज हुई द मोस्ट पॉपुलर वर्जनस ऑफ विंडोज़ आर विंडोज़ 98 एट विंडोज़ टू थाउजेंड विंडोज़ एम ई विंडोज़ एक्स एक्स पी विंडोज़ विस्टा एंड विंडोज़ सेवन एंड विंडोज़ एट एंड विंडोज़ टेन तो ये इसके मोस्ट पॉपुलर जो विंडोज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वो लॉन्च हुई देन सबसे लास्ट में कौन सी है हमारी विंडोज़ टेन विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग फीचर्स तो ये बहुत ही पॉपुलर है पॉपुलर मीन्स किसी भी चीज़ को पॉपुलर हम कब कहते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद हो उस उसका यूज़ करना पसंद हो तो ये पॉपुलर है और इसकी फ़ीचर्स जो हमें दिए हुए हैं वो हम समझेंगे इसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं फर्स्ट है हमारा एट्रैक्टिव एट्रैक्टिव एंड ईजी टू यूज़ तो ये बहुत ही एट्रैक्टिव होता है आकर्षक होता है और कैसा होता है यूज़ करने में बहुत ही सरल होता है प्रयोग में सरल होता है विंडोज़ टेन हैज़ आ वेरी एट्रैक्टिव ट्रांसपेरेंट लुक विथ ब्लू हाईलाइट फीचर्स इट हैज़ आ कंप्यूटर ऑफ न्यू पिक्चर्स थीम्स टाइट टाइल्स एंड आइकन्स तो इसकी जो पिक्चर्स थीम्स और टाइल्स एंड आइकन्स होते हैं वो न्यू हैं बहुत ही उनका जो बनावट है वो बहुत ही अच्छी है और जो ट्रांसपेरेंट होती हैं मीन्स पारदर्शी भी है यह है, और बहुत ही अट्रैक्टिव है तो ये इसकी फ़र्स्ट क्वालिटी हो गई है फ़र्स्ट फीचर है एट्रैक्टिव एंड ईज़ी टू यूज़ इसकी नेक्स्ट आगे सेकेंड पेज में है हमारा द यूज ऑफ ग्राफिक मेक्स इट क्वाइट इंटर इंटरेक्टिव तो इसके जो ग्राफिक्स हैं वो उसको बहुत ही जल्दी इंटरेक्टिव करने वाले बनाते हैं बहुत ही जल्दी हम इससे संपर्क बना सकते हैं इंट्रैक्टिव मीन्स किसी भी जो हमारे उपकरण हैं या फिर एक दूसरे से जो इंट्रैक्शन होता है बातचीत करना या कुछ भी लेन देन करना तो वो इंट्रैक्टिव होता है तो उसकी जो ग्राफिक्स क्या करते हैं क्या मेक करते हैं इंट्रैक्टिव बहुत ही क्विकली हो जाते हैं बहुत ही क्वाइटली हो जाते हैं बहुत फास्ट वर्क करता है इट वर्क्स द वे वी वांट एंड मेक्स न्यू थिंग्स पॉसिबल तो इसकी हेल्प से हम न्यू थिंग्स को बनाने में हेल्प मिलती है हमें नेक्स्ट है हमारी सेकंड है इसमें इंप्रूव्ड स्मार्ट मेन्यू तो इसमें इंप्रूव्ड बहुत ही इम्प्रूव्ड स्मार्ट मेन्यू होती है द न्यू स्मार्ट मेन्यू ऑफ विंडो अस स्क् एक्सेस टू एप्स एंड सर्विसेज इन द लेफ्ट पैन we can find files explorer's setting and a list of the most use used apps power ऑप्शनस एट्सेट्रा तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास द न्यू स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज क्विक एक्सेस एक्सेस टू एप्स तो ये बहुत ही जल्दी एप्स को एक्सेस करता है मीन चा, चालू करता है सर्विसेज और उनकी सर्विसेज हमें प्रदान करता है इन द लेफ्ट पैन जो लेफ़्ट पैन uh, होता है लेफ्ट में जो एक आइकन बना होता है उसे हम लेफ़्ट फैन के कहते हैं लेफ्ट फैन वी कैन फाइंड फाइल्स एक्सप्लोरर तो जो फ़ाइल्स एक्सप्लोरर होता है उसमें हमें लेफ्ट फैन मिलता है सेटिंग एंड आ लिस्ट ऑफ द मोस्ट यूज एप्स पावर ऑप्शंस एटसेट्रा तो इसकी जो पावर्स ऑप्शंस हैं एप्स हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं द ऑल एप्स ऑप्शंस एट द बटन बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैंस डिस्प्ले ऑल द एप्स एंड प्रोग्राम्स तो जो ले, आ, लेफ्ट लेफ्ट पैन प्लेस है वहाँ पर हमें जो डिस्प्ले है वहाँ पर हमें सभी एप्स के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं इन द राइट पैंस लिव्स टिल्स आर डिस्प्लेड विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस एप्स तो जो राइट टाइप राइट साइड का जो पेन होता है उससे हम उससे भी हम बहुत सारी एप्स को ओपन uh, कर सकते हैं कंसिस्ट रहती हैं उसमें नेक्स्ट है सर्चिंग मैड इजियर विथ कॉर्टाना तो कॉर्टाना के माध्यम से हम जो सर्च भी करते हैं जो कुछ भी तो वो बहुत ही कैसा हो जाता है ईजियर हो जाता है बहुत ही सरल हो जाता है विंडोज़ टेन हैज़ आ रिफाइंड एंड पावरफुल सर्च टूल कॉल्ड कॉर्टाना तो जो सर्च uh, टूल होता है उसका नेम है कॉर्टाना जो कि बहुत ही पावरफुल है इस uh, जो फ़ीचर है हमारा एम एस विंडोज़ टेन उसका इट ऑलवेज ऑलोज च फोर इंफॉर्मेशन ऑन टू सिस्टम और ऑन द वेब डायरेक्टली तो ये हम इसमें कोई भी वेब्स को डायरेक्टली सिस्टम को सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इट कैन ऑल्सो वी यूज टू प्ले म्यूजिक वीडियो सेट अलार अलार्म एंड रिमाइंडर्स सेंड ई ईमेल गिव वॉइस कमेंट्स एट्सेट्रा तो इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बहुत सारे जो म्यूज़िक प्लेस म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं अलार्म फिट फिट कर सकते हैं और रिमाइंडर्स लगा सकते हैं ईमेल भेज सकते हैं और वॉइस कमेंट्स भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से तो इसका नेम क्या है कॉटाना नेक्स्ट है ये हमारा प, पहले हम ये जो बॉक्स है नॉलेज बूस्टर उसमें देख लेते हैं जो विलगेट्स हैं फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जैसा कि हमने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट जो हमारी विंडो टेन है उसके फाउंडर हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट है इनकी कंपनी है तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए विलगेट्स ही डेवलप्ड विंडोज़ फोर जनरल परपज़ कंप्यूटर सिस्टम इन 1985 तो उन्होंने जनरल परपज़ के लिए क्या बनाया विंडोज़ को डेवलप किया जिससे कि कोई भी इसको यूज़ कर सके बहुत ही इजीली सब सब इसका यूज़ कर सकें तो ये बहुत ही मह, महत्वपूर्ण नाम है विल गेट्स आप सभी को पता होना चाहिए नेक्स्ट है विंडोज़ टैन सपोर्ट्स मल्टीपल डेस्कटॉप्स तो ये बहुत सारे मल्टीपल डेस्कटॉप्स की सपोर्ट से वर्क करता है विंडोज टेन हैज न्यू टास्क व्यू बटन ऑन द टास्क वार तो इसमें टास्क व्यू बटन होता है जिस जो कि कहाँ पर होता है टास्क वार में दिस बटन प्रोवाइड्स द एवेलिटी टू ओपन मल्टीपल डेस्क टॉप्स एट द सेम टाइम तो एक ही समय में बहुत सारे मल्टीपल डेस्क टॉप्स को ओपन करने में हेल्पफुल करता हैल्प Help मिलती है हमें वी कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्क टॉप फोर डिफरेंट टास्क सो दैट ऑनली वन रिलेटेड सेट ऑफ़ एप्लीकेशंस आर विजिबल इन ऑन डेस्क टॉप तो हम इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस को देख पाते हैं इस डेस्क टॉप जो डेस्क टॉप है हमारा कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है उसी को हम डेस्क टॉप कहते हैं विंडोज़ कहते हैं देयर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डेस्क टॉप्स तो यहाँ पर डेस्क टॉप्स की लिमिट नहीं है उनके नंबरस की दैट वी कैन क्रिएट और यहाँ पर बहुत सारे डेस्कटॉप को क्रिएट कर सकते हैं जो जिसका नंबर नहीं है मीन्स हम इनको बहुत सारी मात्रा में क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट है विंडोज़ स्नैपिंग दिस फीचर्स एसिस्ट अस टू वर्क विथ मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन द सेम स्क्रीन तो इसमें बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस पर वर्क करने के लिए ये फीचर हमें दिया है विंडोज़ विन्डू, टेन में वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप आ विंडोज़ टू एनी कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन देयर आर मेकिंग स्पेस फोर फोर अदर एप्स टू द ओपनड सिमलटैनियसली तो यहाँ पर हम जो विंडो हमारी स्क्रीन होती है उसमें बहुत सारा स्पेस इसकी वजह से हम एक साथ बहुत सारी एप्स को ऑपरेट कर सकते हैं इसमें जो हमारा विंडो स्नैपिंग जो हमारी फीचर है उसकी हेल्प से हम उसको किसी भी प्लेस पर छोटा करके उसको अदर रख सकते हैं और दूसरी एप्स को ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट है द न्यू ब्राउज़र एड्ज माइक्रोसॉफ्ट एड्स इज़ द डिफ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑफ विंडो टेंस तो डिफ़ॉल्ट्राउजर्स ऑफ विंडो टेंस जब भी हमारा ब्राउज़र डिफॉल्ट हो जाए तब हम माइक्रोसॉफ्ट एड्ज का यूज़ कर सकते हैं इट ऑलोज अस टू राइट एंड हाईलाइट डायरेक्ट ऑन वेब पेजेस तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो लिखना हो राइटिंग करना हो कुछ भी और किसी भी थिंग को हमें हाईलाइट करना है तो हम जो वेब पेज है उस पर ये कर सकते हैं न्यू ब्राउज़र एड्स की हेल्प से Cortana is an inbuilt features of ऑफ Edge एड्स helps us to do things faster. फास्टर तो जो Cortana है वो हमें बनाने में build करने में जो Microsoft Edge है उसको बनाने में helpful रहता है जिससे कि हम faster बहुत से work कर सकते हैं और जल्द से जल्द हम इससे इसे use कर सकते हैं Next है Windows सॉफ्ट विंडोज़ स्टोर तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टोर कर कर रख सकते हैं क्या क्या चीज़ें जमा कर कर रख सकते हैं द विंडोज स्टोर एप्लीकेशन्स प्रोवाइड्स अस विथ ऑल काइंड ऑफ पैड एंड फ्री एप्स गेम्स म्यूज़िक मूवीज़ तो इसमें हम बहुत सारी फ़्री एप्स यूज़ करते हैं गेम्स म्यूज़िक मूवीज़ इसमें हम देख सकते हैं नेक्स्ट है वी कैन ट्राई टू यूज़ एन ऐप बिफोर वाई एट विंडोज़ टेन ओपन दिज एप्स इन मल्टीपल स्म इस्माल विंडोज़ ऑन द डेस्क टॉप तो बहुत सारी मल्टीपल स्मॉल जो विंडोज़ हैं उनके रूप में हम बहुत सारी एप्स को ऑपरेट कर सकते हैं तो ये इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ दी हुई हैं नॉलेज फ़ूस्टर में दिया हुआ है सत्या नडेला जो सत्या नडेला है वो कौन है सत्य नडेला इज़ एन इंडो अमेरिकन बिजनेस एक्सक्यूटिव तो ये बिजनेस एक्सक्यूटिव हैं इंजीनियर एंड द करेंट करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफिसर ऑफ माइक माइक्रोसॉफ्ट तो ये सी सी ई हैं वहाँ के माइक्रोसॉफ्ट के सी जो होते हैं तो चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ही वॉज अपॉइंटेड सी ई ओ ऑन फेबर फ़ोर टू थाउजेंड फोर्टीन तो ये माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं सी ई यू हैं तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम विंडो टेन पढ़ रहे हैं और इसकी फाउंडर कौन है इसको लॉन्च किसने किया है माइक्रोसॉफ्ट ने नेक्स्ट है हमारा स्टार्टिंग विंडोज़ तो विंडोज़ को कैसे स्टार्ट किया जाता है वो इसमें देखेंगे when वी स्विच ऑन आ कंप्यूटर हम कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड लोडिंग इन टू द कम्प्यूटर्स मेमोरीज तो जो कंप्यूटर मेमोरीज uh, होती हैं वो ऑपरेटिंग होने लगती हैं और थोड़ी देर के लिए वो क्या होती हैं ऑपरेटिंग होता है वो पूरा मेमोरीज उसको रिमाइंड करता है वंस द प्रोसेस is complete the first screen that appears on the monitor is known as the desktop तो so, जब वो on हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं desktop कहते हैं it It contains icons which are the graphical इमेजेस तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं क्या क्या कंटेंट रहते हैं आइकन्स रहते हैं और ग्राफिकल इमेजेस बनी होती हैं और सिंबल्स रिप्रेजेंट फिल्स और प्रोग्राम्स तो इसमें प्रोग्राम्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग सिम्बल्स होते हैं तो ये सभी इसमें स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि आइकन्स दिए हुए हैं बहुत सारे और स्टार्ट बटन कहाँ पर है डेस्कटॉप किसे कहते हैं जो हमारी खाली स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं और टास्क बार जो हमारी ब्लैक जो पट्टी होती है सबसे नीचे उसको टास्क बार कहते हैं नेक्स्ट है विंडो टें डेस्कटॉप ये हमें डेस्कटॉप की पिक्चर दी थी द स्टार्ट बटन तो स्टार्ट बटन कौन सा होता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं वो दिया हुआ है दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट used बटन ऑन द विंडोज़ desktop. तो जो स्टार्ट बटन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली used होने वाला बटन होता है When वी क्लिक द क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन अ मेन्यू एपियर्स डिस द मेजोर ऑप्शन अलॉन्ग विथ द लिव टिल्स तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तभी कोई भी चीज़ें हमारी ओपन होती हैं दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट मैन्यू और इसको हम क्या कहते हैं स्टार्ट मेन्यू कहते हैं इट प्रोवाइड्स एक्सेज टू द मैन प्रोग्राम ऑन आ कंप्यूटर तो ये उसको एक्सेस मीन्स उसको चालू करता है कोई भी मैन प्रोग्राम हम उसमें कर सकें ऑपरेट कर सकें उसके लिए जो स्टार्ट मेन्यू है उसको ओपन करना पड़ता है नेक्स्ट है दिस पीसी फाउंडर दिस पी सी फोल्डर्स तो इसके फोल्डर्स कौन कौन से होते हैं वो हमें दिए हुए हैं स्टार्ट आ प्रोग्राम तो ये आपको पिक्चर बनी हुई है किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर जाना है देन उसके बाद बहुत सारे आइकन्स आ जाएंगे और फिर उनमें से हमें चॉइस करना रहता है तो उसको हम क्लिक कर देंगे तो कोई भी जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा दिस पी सी फोल्डर्स तो फोल्डर्स क्या होते हैं द पी सी फोल्डर्स डिस्प्लेज the contents of the computer hard disk cd dvd or any other external storage media such as a pen drive using this pc icon we can access and manage all the folders and files stored in आ कंप्यूटर तो जो भी हमारे मेमोरीज़ को स्टोर करने वाले डिवाइस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए उनको कंप्यूटर में बताने के लिए कौन से आ, किसका फोल्डर का यूज़ करते हैं जैसे कि हमारे फ़ोन में भी फ़ोल्डर्स होते हैं कार्ड फोल्डर होता है जो मेमोरी कार्ड होती है, होता है उसकी आ, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं क्योंकि उसका एक फ़ोल्डर होता है तो वै, वैसे ही ये सभी जो आ, सी डी डी वी डी और जो भी पेन ड्राइव है उसके फोल्डर्स होते हैं जिनसे कि हम कंप्यूटर में मेमोरीज़ को देख सकते हैं जो भी हमारे पास हमारे जो पेन ड्राइव है डी वी डी है उन सभी में जो भी स्टोर चीज़ें हैं वो हम देख पाते हैं इट इज़ यूज़फुल फॉर फाइनिंग और ऑर्गनाइजिंग मूविंग एंड कॉपिइंग फाइल्स फोल्डर्स इन आ कंप्यूटर तो इस ये हेल्पफुल होता है किसी भी चीज़ को कॉपी करने में उसको मूविंग करने में मूव करने में और ऑर्गेनाइज करने में डबल क्लिक ऑन दिस पी सी आइकन ओपन्स द फोल्डर तो इस पर हमें डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा नेक्स्ट हमें ये पिक्चर बनी हुई दी है इसमें बैक बटन है फर्स्ट हमारा जो येलो कलर के जो बॉक्स बने हैं उसमें हमें आइकन्स को बताया गया है तो फर्स्ट है हमारा बैक बटन इट लेस्ट इट लेट्स अस नेविगेट टू द प्रीवियसली ओपनड फोल्डर विदाउट क्लोजिंग द करेंट विंडोज़ तो इससे हम पहले वाले जो जो भी हम पहले चला रहे थे कंप्यूटर में जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है हमारा तो उसको बिना बंद किए हुए उसको क्लोज किए वगैरह हम उसको बैक कर सकते हैं और फिर से वहीं पर आ सकते हैं नेक्स्ट है अप बटन तो अप बटन क्या होता है इट टेक्स वन स्टेप अप इन द फोल्डर ट्री तो ये फोल्डर ट्री की तरह दिखता है ये फोल्डर ट्री जो अप बटन है वो आपको दिख रहा होगा जो एरो बना हुआ है वहाँ पर एक फोल्डर जो फोल्डर ट्री, ट्री की तरह है तो ये अप बटन होता है नेक्स्ट है एड्रेस वार एड्रेस वार जो हमारा थर्ड बॉक्स है उसमें एड्रेस वार दिया है डिस्प्ले द कंप्यूटर पार्थ ऑफ सिलेक्ट फाइल्स फोल्डर्स तो यहाँ पर हम इसके थ्रू कोई भी जो एड्रेस वार होता है उसमें फोल्डर्स और फाइल्स रखे हुए होते हैं नेक्स्ट है रिबन तो रिवन क्या है इट कंटेंट कंटेंस कमांड्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स यूज टू वर्क विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स तो इसके ग्रुप्स को यूज़ करते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में तो इसको रिबन कहते हैं सर्च बॉक्स ऑलोज आज टू क्विकली सर्च फाइल्स फोल्डर्स इन द करेंट फोल्डर्स तो जो करेंट फोल्डर uh, है जो हमने ओपन कर रखा है उसमें भी हम सर्च कर सकते हैं राइट पेन्स और राइट right पेन हमारा राइट right साइड होता है इट डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर्स दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द लाइफ पेन्स लेफ़्ट पेंस तो लेफ्ट पैंस से जो भी सिलेक्ट किया गया है उसको हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड बटन तो फॉरवर्ड बटन से हम किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं आफ्टर यूजिंग द बैक जैसे ही हमने बैक यूज़ किया जो बैक बटन है देन उसके बाद जो भी हमें नॉलेज चाहिए होती है वो लेने के बाद हम उसको वापस उसी प्लेस पर आना है तो हमें कौन सा बटन यूज़ करना है फॉरवर्ड बटन आफ्टर यूजिंग द बैक बटन वी कैन यूज़ द फॉरवर्ड बटन टू अगेंस्ट मूव टू द करेंट ओपन विंडोज़ तो जो अभी करेंट ओपन विंडो है उसको ओपन करने के लिए हमें फॉरवर्डेड जो फॉरवर्ड बटन है उसको क्लिक करना होगा नेक्स्ट है नेविगेट नेविगेशन पेन नेविगेशन पेन को ही हम लेफ़्ट पेन कहते हैं इट इज़ द लेफ्ट पैन दैट डिस्प्ले आ लिस्ट ऑफ़ ड्राइव्स एंड फोल्डर्स। तो ये ड्राइव्स और फोल्डर्स की लिस्ट होती है ये हमारा दिस पीसी फोल्डर्स दिए हुए थे ये हमने इनका शॉर्ट शॉर्ट नॉलेज ली नेक्स्ट है हमारा फाइल्स एक्सप्लोरर तो फाइल्स एक्सप्लोरर को जानेंगे ऐसे फाइल्स uh, जो एक्सप्लोरर है वो क्या है फाइल्स एक्सप्लोरर इज़ एन एप्लीकेशन डेट प्रोवाइड प्रोवाइड्स डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स तो ये uh, जो हमारे फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है प्रदान करता है इट एनेबल्स अस टू एक्सेस एडिट मैनेजेस एंड ऑर्गेनाइज अवर फाइल्स एंड फोल्डर्स तो इससे ये अनेबल होता है किस चीज़ में जो हमारे फोल्डर्स हैं उसको एक्सेस करने में एडिट करने में और मैनेज करने में जो भी ऑर्गेनाइज़ करना है हमें फाइल्स और फोल्डर को उसको एक्सेस नहीं कर पाता है वी कैन यूज़ एट टू व्यू क्रिएट डिटेल क्रिएट डिलीट कॉपी रिनेम्स एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स तो इसका यूज़ हम उस जो फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं उनको देखने क्रिएट करने और डिलीट करने कॉपी करने रिनेमिंग करने उनका नया नाम करने के लिए और सर्च करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं तो इसके भी कुछ टूल्स हैं फर्स्ट हमारा लेफ़्ट पेन है सेकंड हमारा क्विक एक्सेस है स्टार वार है राइट right पैन है तो ये सभी आपको दिए हुए हैं इसमें दिस बटन जो हमें लेफ़्ट uh, में दिया हुआ है दिस बटन डिस्प्लेस डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम्स इन द विंडोज तो इससे हम सभी जो भी आइटम्स uh, हैं जो भी चीज़ें हैं उसको हम उनकी डिटेल्स निकाल सकते हैं दिस बटन डिस्प्लेस द आइटम्स यूजिंग लार्ज थंबनेल्स तो यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है लेफ्ट में सबसे जो नीचे है वो उसके बारे में हमें बताया गया है नेक्स्ट है राइट पैंस तो ये हमने ऊपर भी रीड किए थे वैसे ही इसके फीचर्स होते हैं बट इसके यूजेस अलग होते हैं नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट देखेंगे ओपनिंग फाइल्स एक्सप्लोरर्स तो फाइल्स को कैसे ओपनिंग कर सकते हैं उनको कैसे ऑपरेट करते हैं तो वो जानेंगे ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर टू ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर जब हम किसी भी फाइल को एक्सप्लोरर जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको ओपन करते हैं तब क्या होता है स्टेप फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन तो हम स्टार्ट बटन करेंगे क्लिक करेंगे और उस पर जो फाइल एक्सप्लोरर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और प्रेस विंडोज़ की तो जो हमारी प्लस ई वाली जो की है उसको हम क्या करना है प्रेस करना है हमें दबाना है स्टेप सेकंड में क्या करना है द फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ विल ओपन इसके बाद वो ओपन हो जाएगी व्यूविंग कंटेंट्स तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी व्यूविंग मीन्स देखने को मिलने वाली चीज़ें हम क्या क्या कंटेंट्स हैं वो जानेंगे स्टेप फर्स्ट टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ एनी फाइल्स और फोल्डर्स सिम्पली डबल क्लिक ऑन द ऑन एट तो हमें कुछ भी चीज़ जो फाइल फोल्डर uh, है उसको uh, खोलना है ओपन करना है तो so, सिंपली हमें क्या करना होगा डबल क्लिक करना होगा ऑन एट इस पर डबल क्लिक कर देंगी इसको ओपन करने के लिए स्टेप सेकेंड वी कैन चेंज द ले आउट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स यूजिंग द व्यू टैब्स तो जो व्यू टैब्स होती है उसकी यूज़ से हम उसको चेंज कर सकते हैं और लेआउट कर सकते हैं नेक्स्ट है फाइल्स एंड फोल्डर्स तो फाइल्स एंड फोल्डर्स फर्स्ट हमें फाइल्स दी हुई हैं इट इज़ आ कलेक्शन ऑफ़ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोरड टूगेदर ऑन सम् इस्टोरेज डिवाइस सच एज़ हार्ड डिस्क सी डी डी वी डी और पेन ड्राइव तो ये फाइल्स कैसी होती हैं इट इज़ आ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोरेड स्टोर्ड टुगेदर तो ये साथ साथ टुगेदर मीन साथ साथ stored होती हैं इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करके रखती हैं फाइल बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इसमें हम स्टोर कर कर रख सकते हैं डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क के रूप में भी हम इसकी जो फाइल्स हैं वो बना सकते हैं उनको स्टोर कर कर रख सकते हैं डीवीडी, सीडी एंड पेन ड्राइव तो इन सब में हम इनको स्टोर कर कर रख सकते हैं जो फाइल्स हैं एज वी कीप इम्पोर्टेंट पेपर्स तो खास जो हमारे इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं इन आ फाइल लाइक लाइक एनी इंफॉर्मेशन इन आ कंप्यूटर इज़ सेव्ड इन आ इन द फॉर्म ऑफ आ फाइल तो एनी इन्फॉर्मेशन मीन्स कुछ भी इंफॉर्मेशन कुछ भी जानकारी को हम फाइल के रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हैं ईच फाइल्स इज गिव्स आ फिल नेम विच हेल्प अस टू फाइंड इट वेनएवर रिक्वायर्ड तो उसको हम जो भी फाइल्स होती हैं उसको नेम दे सकते हैं जिससे कि हम जो भी चीज़ हमने कंटेंट की है उसको आसानी से ढूंढ सकें नेक्स्ट है फोल्डर्स तो फोल्डर्स क्या है फाइल्स एंड फोल्डर्स जो हमारा हेडिंग है उसमें फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं अब हम फोल्डर देखते हैं ओके स्टूडेंट्स एज वी कीप ऑल ओवर फाइल्स इन आ फाइल कैबिन कैबिनेट सिमिलरली तो फाइल uh, कैबिनेट जो फाइल कैबिनेट है उस उसी की तरीके से फोल्डर जो सिमिलरली uh, फोल्डर का भी कैबिनेट होता है आ फोल्डर इन आ कंप्यूटर इज़ लाइक आ कैबिनेट वेयर वी कीप रिलेवेंट फाइल्स तो जो फाइल्स हैं उनको रिलेवेंट फाइल्स को कंटेन करने में हम फोल्डर का यूज़ करते हैं आ फोल्डर कैन होल्ड अदर फोल्डर्स एज वेल तो और एक फोल्डर को किसी दूसरे फोल्डर में भी हम रख सकते हैं कंटेंट कर सकते हैं अ फोल्डर विद विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड आ सब फोल्डर तो किसी अंदर किसी फोल्डर के अंदर होने से उसको सब फोल्डर कहने लगते हैं अगर किसी चीज़ में वो कंटेंट कर देते हैं तो हम उसको सब फोल्डर कहने लगते हैं किसी फोल्डर में दूसरे फोल्डर को अगर रखेंगे तो उसको सब सब फोल्डर कहेंगे वी कैन डिफरेंटिंग डिफरेंटिएट आ फाइल फ्रॉम आ फोल्डर विथ द हेल्प ऑफ आइकन्स एसोसिएटेड विथ दम तो इन दोनों का जो हमारा फर्क होता है अंतर होता है वो कैसे पता चलता है उनके आइकन से पता चलता है फ़ाइल्स के जो आइकन होते हैं वो अलग होते हैं और फोल्डर के आइकन्स अलग होते हैं नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड सेविंग आ फाइल तो किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट करें कैसे बनाएं और उसको कैसे सेव करें वो हमें दिया हुआ है द मोस्ट कॉमन मेथड टू क्रिएट आ फाइल इज़ वाई यूजिंग एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेयर वी आर यूजिंग वर्ल्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन तो यहाँ पर टू थाउजेंड सिक्सटीन वर्ड को यूज़ कर कर हम एक फाइल बनाएंगे स्टेप फर्स्ट होगी ओपन अ न्यू ब्लैंक डोकूमेंट्स इन वर्ल्ड 2016 तो हमें एक ब्लैंक खाली डॉक्यूमेंट्स uh, चाहिए जिसका जिसका नाम हमने क्या दिया है वर्ड 2016 सेकेंड स्टेप है स्टार टाइपिंग टैप टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक्स पेज और उसमें हमें आपको क्या करना है उसमें टाइप करना है उस जो ब्लैंक पेज है उसमें कुछ भी आपको टाइप करना है स्टेप थर्ड आफ्टर कंप्लीट वर्क सेव द फाइल यूजिंग द फाइल टैब सेव ऑप्शनस तो आपको उसके बाद जो भी आपने वर्ड्स टू थाउजेंड सिक्सटीन के जो वर्ड इम्पोटेंट वर्ड हैं वो आपने नोट कर लिए हैं उसके बाद आपको फाइल टैब पर जाकर इसको सेव ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो ये हमारी सेव हो जाएगी फोर्थ है अ विंडो नेम्स सेव एज विल वियर तो इसके बाद आपको सेव एज अपेयर विल तो आपको सेव कर देना है क्लिक ऑन द ब्राउज़र बटन और उसके बाद आपको ब्राउजर बटन पर क्लिक करना है नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन तो आप डायलॉग बॉक्स को ओपन करोगे तो क्या होगा सिलेक्ट द लोकेशन एंड टाइप्स द फिल फिल नेम इन द फाइल नेम टेक्स वॉक्स तो इससे आप उसकी उसको कहाँ पर रखना है आपको उसका प्लेस डिसाइड करना है और उसका नेम फिल करना है क्लिक ऑन द सेव बटन और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है स्टेप सिक्स है द डॉक्यूमेंट्स विल बी सेव्ड विथ द स्पेसिफाइड फाइल नेम तो ये जो फाइल है वो बनकर तैयार हो गई है उसका एक नेम है तो ये सिक्स स्टेप है अब आप इसका यूज़ कभी भी कर सकते हो ओके स्टूडेंट्स तो ये हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसको हम विंडोज़ टेन इसको हम यहीं तक रहने देंगे इस वीडियो में और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे आपके टू चैप्टर इस बार के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हैं उसमें आने हैं उसमें आपका सेकंड चैप्टर भी आएगा तो इसकी जो सभी एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से करनी है तो ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर लिसनिंग